सो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम लोग का जेईई मेन एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। अब काफ़ी सारे बच्चों का सवाल है कि इसका जो इफेक्ट है वो क्या देखने को मिलेगा ऑन जादवपुर यूनिवर्सिटी कट ऑफ। ठीक है, वैसे मैं एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, कि आपको क्या मार्क्स टारगेट करना चाहिए, क्या मार्क्स टारगेट करना चाहिए फॉर गेटिंग दिस ब्रांचेस लाइक CSE हो गया, IT हो गया, EC हो गया। तो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाइए एंड वीडियो को देखिए, एंड पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट, हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। ठीक है, तो मेक श्योर सब्सक्राइब पहले कीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड एक प्लेलिस्ट है WBG22 करके, ठीक है, तो ये जो प्लेलिस्ट है WBG2022, मेक श्योर इसको एक्सेस जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस वहाँ पर मौजूद मिलेंगे, लगभग 20 से ज़्यादा वीडियोस हम लोग वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। एंड इन फ्यूचर लाइक काउंसलिंग के वक्त हम लोग यहाँ पर सब कुछ अपलोड करने वाले हैं, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिए एंड इस प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर लीजिए। तो जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में मैं डिस्कस किया था कि लगभग 70% बच्चे ऐसे होते हैं कि मेंस के एग्ज़ाम एंड WBG के एग्ज़ाम दोनों ही देते हैं। ठीक है, अब देखो पहले क्या था, पहले आपका जो मेंस एग्ज़ाम था वो बिल्कुल मतलब अगल बगल में था WBG का, तो मैक्सिमम जो बच्चे थे वो मतलब नहीं आ सकते या मेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, मतलब जो बड़ा एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो WBJ है, ठीक है, उसके बाद ही सब जो बाकी एग्ज़ाम आते हैं वो होंगे। तो जितने भी बच्चे हैं लाइक 70% में से लगभग 60% बच्चे तो कंफर्म है कि वो लोग WBG एग्ज़ाम के लिए अपियर होंगे ही, अगर वो अपियर किए हैं तो, मतलब अगर वो अप्लाई किए हैं तो। तो देखो वैसे हर एक बच्चा मेंस का भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करता है एंड WBG का भी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करता है, ठीक है, लेकिन वो किसी एक एग्ज़ाम को ही टारगेट करता है। लेकिन अभी उसके पास एक ऑप्शन है कि मेरा जो मेंस एग्ज़ाम है वो काफ़ी लेट से है, तो चलो मैं WBG देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मतलब जो अपियरेंस है, मतलब बच्चे का संख्या बढ़ जाएगा। अब ये डाउट है कि हम लोग का जो ये सब कॉलेज है, जादवपुर हो गया, ठीक है, इनके जो भी ब्रांच जैसे कट ऑफ में क्या असर देखने को मिलेगा। तो देखिए अब सभी बच्चों को पता ही हुआ कि हम लोग का जो जादवपुर यूनिवर्सिटी है उसमें सीट रिजर्वेशन है, ठीक है, लाइक 10% जो सीट है वो सिर्फ डोमिसाइल बच्चों के लिए, सॉरी नॉन डोमिसाइल बच्चों के लिए ही रिजर्व किया गया है। ओके, आई थिंक आप सभी को पता है ये चीज़। एंड जो 90% जो सीट है वो डोमिसाइल बच्चों के लिए। अब एक सवाल हो सकता है कि सपोज 90% सीट फिलअप नहीं हुआ, एंड ये नहीं होता है, सीट फिलअप नहीं होता है इसलिए तो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है ना, 3 राउंड होने के बाद भी सीट वैकेंट रहते हैं, ये मतलब पिछले साल से हो रहा है, लाइक लास्ट 4-5 ईयर्स देखोगे ना तो सीट का जो संख्या है, जो वैकेंट सीट का जो संख्या है वो ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर रहा है ईयर बाई ईयर आफ्टर राउंड 3। तो अब ये सवाल हो सकता है कि वो जो सीट मौजूद है उसको क्या नॉन डोमिसाइल में कन्वर्ट किया जाएगा क्या? तो देखिए अगर ये सीट को नॉन डोमिसाइल में कन्वर्ट कर दिया गया तो ये जो रेशियो है ये तो मतलब क्या बोले बिगड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब सीट फिक्स्ड है 90% तो 90% ही, एंड वो बस डोमिसाइल बच्चे ही कैप्चर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वैकेंट है तो वो नॉन डोमिसाइल आ जाएंगे। एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो कंपटीशन है, मतलब जो जादवपुर के मैं बात कर रहा हूँ, वैसे WBG का जो ओवरऑल कंपटीशन है वो तो इंक्रीज़ कर ही गया है, ठीक है, वे मैं लास्ट में वाले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता चुका कि आपका जो कंपटीशन लेवल है काफ़ी इंक्रीज़ कर गया है। लेकिन ये जो फाइट है, मतलब जो बच्चों में जो कॉम्पिटिशन है, ये 90% सीट के लिए ही है। तो अभी आपके पास समय है, ज़्यादा मतलब सोचिए मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस अपने पढ़ाई पर ज़रा फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि 90% सीट है तो मुझे तो सीट नहीं मिल सकता है, लाइक कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया तो मुझे तो जादवपुर में भी 90% सीट, मतलब मैं डोमिसाइल तो वहाँ पर नहीं मिल सकता है, तो इतना कुछ मत सोचिए आप। वैसे आप सही बच्चों के रिक्वेस्ट पर ही हम लोग एक मेंटरशिप सेशन स्टार्ट किए हैं, लाइक हम लोग का जो सेशन 1 था वहाँ पर डिस्कस किए थे कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर है, कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सको। तो अगर आप सेशन 1 मिस कर चुके हो तो उसका जो रिकॉर्डेड है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड जो सेशन 2 हम लोग का, उसका टॉपिक है कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, लाइक आपका जो WBG का जो पेपर होने वाला है ना वो लगभग 4 घंटा होता है, एंड इन समय में आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इन कम टाइम में कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सके विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे सेशन 2 में।
तो अगर आप एनरोल नहीं किए हो तो आप एनरोल कर सकते हो, एंड जो सेशन वन आप मिस कर चुके हो उसका रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। तो अभी इतना मतलब सोचिए मत, सोचने का समय काफ़ी है कि मुझे सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी बस अपने पढ़ाई पर प्लीज़ ज़्यादा फोकस कीजिए। लाइक एक बच्चा कमेंट किया था कि अब तो कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया, तब तो मुझे जादवपुर तो मिल ही नहीं सकता, वो डोमिसाइल था बस। तो देखो आपको डोमिसाइल हो तो आपका तो कंपटीशन थोड़ा कम ही है। आप सोच कर देखो जो नॉन डोमिसाइल बच्चे हैं इस 10% सीट में कितना फाइट हो रहा होगा, फाइट इसमें ही होने वाला है। और एक बात और, लाइक जो बाकी सब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है, लाइक आपका कल्याणी हो गया, लाइक मैं नाम लिख दूँ यहाँ पर, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब देखो ये सब जो अच्छे, मैं इसको मैं अच्छे बोलता हूँ, ठीक है, गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस आफ्टर JU एंड CU, तो इसमें देखिए 100% सीट रिजर्व है डोमिसाइल बच्चों के लिए। तो इसका जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी कम ही चेंजेस देखने को मिलेगा कंपेयरिंग टू द लास्ट ईयर। अगर आप लास्ट ईयर का डेटा के साथ कंपेयर करोगे ना तो जो कट ऑफ का जो चेंजेस है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। मैं एक एक्सेल सीट, एक PDF प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पर डिटेल में मेंशन कर दिया गया है कि जितने भी कॉलेजेस है जो कि WPG के अंडर में आता है, ब्रांच वाइज कट ऑफ एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ मेंशन कर दिया गया है। तो उस वो कट ऑफ जब देखोगे ना तो कट ऑफ का जो चेंजेस है आपको कम ही देखने को मिलेगा ये सब जो कॉलेजेस है। हाँ, लेकिन कट ऑफ का चेंजेस कहाँ देखने को मिलेंगे, मतलब खास करके ड्रास्टिकली चेंजेस कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो देखिए जो आपका CU हो गया, ठीक है, आपका CU हो गया कल्याणी यूनिवर्सिटी, नोट कल्याणी यूनिवर्सिटी में लिखा हूँ, मकाउट, ठीक है, आपका UIT वर्धमान। तो देखिए ये सब जो सीट है ना, मतलब ये सब जो कॉलेज है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बस डोमिसाइल बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें इक्वल फाइट होता है। ये जो है कॉलेज इसमें इक्वल फाइट होता है डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल बच्चों के लिए। तो इसमें कट ऑफ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे ड्रास्टिकली कंपेयरिंग टू द लास्ट ईयर, ठीक है। एंड सेम जो प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट में तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि डोमिसाइल बच्चे ही ले सकते हैं इतना परसेंट एंड नॉन डोमिसाइल नहीं ले सकते। तो जो भी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस, लगभग सारे प्राइवेट कॉलेजेस में IIM हो गया, हेरिटेज हो गया, मैं बता ही दे रहा हूँ, IIM, हेरिटेज, टेक्नो, ठीक है, AOT, नेताजी, जितना भी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस है इनमें कट ऑफ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पर डोमिसाइल एंड नॉन डोमिसाइल दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो कट ऑफ वहाँ पर चेंजेस देखने को ज़्यादा मिलेंगे जो कि दोनों फाइट कर रहे हैं। लेकिन वो सब जो कॉलेजेस जो कि 100% सिर्फ डोमिसाइल बच्चों को रिजर्व किया गया है, लाइक कल्याणी, जलपाईगुड़ी एंड पुरुलिया, ठीक है, एंड जादवपुर में बस 10%, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। अगर आप डोमिसाइल हो तो ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है, अगर आप डोमिसाइल हो तो ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 10% ही मतलब नॉन डोमिसाइल है एंड यहाँ पर तो लाइक एक भी नॉन डोमिसाइल की सीट नहीं है। तो ये जो कॉलेजेस है इसमें कट ऑफ चेंजेस कम ही देखने मिलेगा कंसर्निंग द लास्ट ईयर। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सब जो कॉलेजेस है उसमें देखिए कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए कि मैं क्या बताना क्या चाहता हूँ, एंड मैं काफ़ी मतलब लॉजिकली आपको बताया कि हाँ कट ऑफ क्यों चेंजेस देखने को मिलेंगे जो इसके अलावा जो कॉलेजेस है, क्योंकि वहाँ पर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डोमिसाइल भी एंड नॉन डोमिसाइल भी, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए विद टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्हें क्वेश्चन है कि मेंस पोस्टपोन हो चुका है तो बाकी सब जो कॉलेजेस है, खास करके जो जादवपुर कॉलेजेस है, उसमें कट ऑफ का क्या असर देखने को मिलेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग एक सेशन कंडक्ट करवाने वाले हैं, सेशन 2 है वो, सेशन 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो जो सेशन 2 है हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी, टॉपिक ये होगा, ठीक है। आप सभी बच्चे प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग के ही रिक्वेस्ट पर हम लोग ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो जो सेशन 2 है वो है पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी, ठीक है। मैं टाइम बता दूँ, ये जो होने वाला है ये 11 अप्रैल को होने वाला है आपका, रात को 9:30 बजे से, ठीक है। तो मेक श्योर सभी बच्चे सेशन को अटेंड कीजिए ताकि आपका एक एफिशिएंसी सही रहे,
काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग टाइम प्रेशर के चक्कर में आप पेपर को ढंग से मतलब सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है कि लाइक मैथमेटिक्स है, 100 मार्क्स आते हैं मैथमेटिक्स में से, तो उस 100 मार्क्स में से मैं कैसे मैक्सिमम मार्क्स अटेंड कर लूँ, कैसे पेपर को सॉल्व कर लूँ ताकि मेरा जो ओवरऑल स्कोर है वो अच्छा आ जाए, कि ओवरऑल जो स्कोर है ना वो मैथ्स से डिसाइड करेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 50-50 नंबर है, ठीक है, लेकिन मैथ्स में 100 मार्क्स है। तो मैथ्स का जो पहला शिफ्ट है काफ़ी काफ़ी ध्यान से देना चाहिए, क्योंकि पहला शिफ्ट यानी कि 11 से लेकर के आपका 1 बजे तक 2 घंटे का पेपर होता है।